गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित टांडा मीरनगर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान संजीव सिंह हैं। लगभग 2000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 450 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 270 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पानी निकासी के लिए नाला, पानी की टंकी, खेल का मैदान, स्कूल की बाउंड्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान संजीव सिंह, ग्राम पंचायत टांडा मीरनगर से। मेरे यहाँ लगभग 125 मीटर सीसी हो चुका है, 75 मीटर नया खरंजा करा चुका हूँ और लगभग 90 मीटर रिपेयर हो चुका है खरंजा। पैसे ना आने की वजह से सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। ना तो ग्राम पंचायत में पंचायत घर है, ना बारात घर है, ना आंगनवाड़ी केंद्र है, ना अंत्येष्टि स्थल है और बड़े नाले की ज़रूरत भी है। पैसे बगैर नाला नहीं बन पा रहा है। खेल का मैदान की भी ज़रूरत है, स्कूल की बाउंड्री भी होना ज़रूरी है। ये सारी समस्याएं पैसे की वजह से आ रही हैं। अगर पैसा मिल जाए तो गांव में विकास किया जाए। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ संगठन के लिए कि कम से कम संगठन प्रधानों की जो समस्याएँ वो सुने। जैसे कि मेरा गांव समरक गांव में सूची में चला गया है और संगठन का दायित्व बनता है कि मेरा गांव समरग गांव के लिए सूची में चला गया है, सरकार की सूची में चला गया है। संगठन का ये दायित्व बनता है कि मतलब ये जल्द से जल्द आगे प्रक्रिया कराने की कोशिश करें और जब ये समरग गांव में आ जाएगा पैसा भरपूर मिलेगा, भरपूर विकास होगा, लोगों की समस्याएं दूर होंगी। बस ये कहना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं विलेज टाणा मीरनगर का निवासी हूँ। मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आते हैं और मेडिसिन उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं मरीजों के लिए, और ड्रिप वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ना ट्यूब वगैरह है, और खाली एक आध सिरप अगर वो दे देते हैं ना, बस खाली मेडिसिन की पूर्ति कर रहे हैं और बेच देते हैं अंत ले जाकर दवाई। लोग बाग परेशान होते हैं, पूछते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, नंबर लगाते हैं, मगर डॉक्टर रिसीव भी कॉल नहीं करते हैं और ये कह देते हैं हम आ चुके हैं मगर आ नहीं पाते हैं, अब्सेंट भी कर देते हैं।